मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। समझ में नहीं आ रहा ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से करें। दरअसल रात में हम लोग कुछ ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि ऋषि की तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात में। रात तबीयत इन द सेंस ये कि उसे पता नहीं कौन से छोटे छोटे दाने निकलते हैं पूरे बॉडी में, और वो जो है बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं। उसकी वजह से वो रो भी रहा था रात में, सो भी नहीं पाया था। अब छोटा सा बच्चा है, बस ये होता है कि ऊपर वाला जो भी दर्द देना है माँ बाप को देते, लेकिन बच्चे को ना दे। इसीलिए थोड़ा सा तकलीफ है। रात को हम लोग काफ़ी परेशान रहे, हम और पूजा, और सुबह होते ही हमने कहा चलो इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो वैसे तो आज संडे है, जो काफ़ी ज़्यादा क्लिनिक जो है वो बंद होते हैं, डॉक्टरों की भी छुट्टी होती है। लेकिन ये पता चला कि एक रिटायर्ड डॉक्टर बैठते हैं हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ से कम 30 किलोमीटर आसपास होगा, एक टाउन है वहाँ पे बैठते हैं। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हम और पूजा ऋषित को लेके। फिलहाल बाइक से ही निकल रहे हैं क्योंकि कार से थोड़ा सा रास्ते जो है वो अच्छे नहीं है, क्योंकि टाउन में जाना है, तो इसलिए बाइक से ही निकल रहे हैं। तो हम और पूजा जस्ट निकलने वाले हैं। तो मैं तो बस कह रहा था निकलो क्योंकि, लेकिन मम्मी जो है सुबह सुबह चाय बना दी, बोले कि चाय पी के जाओ। तो चलो चलते हैं नीचे और चाय पी लेते हैं, उसके बाद में हम और ऋषित और ऋषित की मम्मी तीनों लोग निकलते हैं। तो ये रही चाय, में हम चाय पी लेते हैं। और ऋषित कहाँ गया? ये देखो ऋषित, क्या हुआ? वो दूध दे दो उसको, अभी अभी पहले दवा लेने चलते हैं ना, अभी तुम्हारी दवा लेने चल रहे हैं ना, उसको रख दो, से मोबाइल को निकलते हैं। बाबू चाय पीनी तुमको? चाय नहीं पीनी? चाय दे दो उसको, हो तो पिएगा नहीं पिएगा? तो ऋषित दुद्धू, अच्छा दुद्धू, अच्छा उसको दे दो थोड़ा, उसको लेके चलोगे क्या दुद्धू? अभी रास्ते में, अभी कुछ नहीं पीना, पहले दवा खाओ ठीक है, क्योंकि दाने निकलते ना तुम्हारे, खुजली करते है ना। हाँ तो चलो चाय पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। ठंड का टाइम है, चाय भी पी लेंगे, थोड़ा सा आराम मिलेगा। अभी भी नहाया है हमने, ऋषित को नहीं नहलाया है, उसको वापस आने के बाद धूप हो जाएगी तब नहलाएंगे। तो गाड़ी देखो अंदर ही खड़ी, पूजा कपड़ा ले आओ गाड़ी मारने के लिए। सेव करो वो, ऐसा ना करो तुमने तो भी ऊपर आएगा। खाली कर जाएंगे, मुझे लग रहा है वहाँ लाइट लगी है। अभी कुछ नहीं, अभी चालू है। अच्छा सारे ट्रक ही ट्रक, थोड़ी देर में तो कहाँ मिलते ही ना दिल्ली में।
लिए 25 से 30 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली है और अभी थोड़ी दूर बचा है, ज़्यादा दूर नहीं बचा हुआ है। तो ऋषि देखो इसको पीछे बिठा लिया भैया, इसको ठंड लग रही थी। तो हाँ हम लोग जो है अभी फिर निकलेंगे थोड़ी देर में। अभी ठंड नहीं है, धूप लग रही ना अभी। तो हमारे पीछे देख सकते हो आप, चेक दिस आउट कितना जबरदस्त व्यू है। बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको गाइस, चेक दिस आउट एक बार आप, व्यू चेक करो, नदी, नदी के ऊपर सन, ये देखो क्या जबरदस्त व्यू है। इतना बेहतरीन लग रहा है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। ब्यूटी ऑफ इंडिया, यही है ब्यूटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इस तरफ भी आप देखो, ये इधर से नदी आई हुई है और ये वही नदी है, ये वही नदी है जिसका मैंने वीडियो दो दिन पहले डाला था। वो नदी पीछे है और ये नदी आ गया, बहुत लंबी नदी। मछली इसमें है, नीचे है, देखो कितनी बड़ी बड़ी मछली इसमें है। बाद दिखाएंगे ना तुमको, पहले दवा ले आते तुम्हारी ना, ठीक। पहले तुम्हारी दवा ले आते फिर दिखाते हैं, ठीक। ओके 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 डन। तो चलो गाइस निकलते हैं फिलहाल यहाँ से। नवई जाने का रास्ता हमको जानना है। अच्छा, और के अंदर हाँ। क्या किया फिर मिले भागल सीधा जाए, यही होगी भैया नवई जाने का रास्ता ही। डॉक्टर के पास आ गए हैं, देखो ऋषित, ऋषित की मम्मा। और अब हम लोग चलते हैं अंदर, दवा लेते हैं। और ये पीछे हॉस्पिटल है, ज़्यादा दरअसल ये क्या है, रिटायर्ड डॉक्टर हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं बच्चों के। तो इनका क्लिनिक यहाँ पे छोटा सा खुला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है ये लोग मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास। तो मुझे पता चला, मैंने कहा चलो यार देख लेते हैं, दवा ले आते हैं। हम इसको लेके आए हैं लेकिन आज भी देखते हैं, आई होप कि जल्दी ठीक हो जाएगा। तो गाइस दवा हम लोगों ने ले लिया है, अभी आप देख सकते हो ये देखो आ गई इनके अंदर। और दवा भी हम लोगों ने यहाँ पे ले ली है, और वीडियो अंदर का नहीं बनाया इसलिए क्योंकि यार पता नहीं डॉक्टर को अनकम्फर्टेबल, पता नहीं डॉक्टर क्या, क्लिनिक के अंदर का मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बाहर से कर लेते हैं। दवा मैंने ले लिया है, ऋषित भी अब रेडी हो चुका है और ये क्लिनिक इधर है। और जिस किसी को भी अगर हमारे एरिया में किसी को प्रॉब्लम होती है तो बेस्ट जगह है, मुझे ऐसा लगता है, ये दवा भी मिल जाती है ठीक टाइम पे। तो चलो निकलते हैं फिलहाल यहाँ से। आगे बैठोगे नहीं पीछे, आगे बैठो। गाड़ी बहुत खानी करता तू, अभी ठंडी नहीं लगी लग रहा है, बैठना है।
गाइस फाइनली आ गए हैं। 2 घंटे लगे प्रॉपर 2 घंटे वहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके जाने में और आने में, मतलब मैं 9 बजे निकला था और 11 बज चुके हैं और मैं आ गया। अब करते हैं, अब चलते हैं घर के अंदर और करते हैं नाश्ता। भूख बहुत तेज़ी से लगी है क्योंकि यार सुबह के निकले हुए हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय पिया था। खाना बनाया नहीं अम्मा? सब्जी तो बन गई, रोटी बची खाली। रोटी से रोटी नहीं सेकना बे, रोटी सेक दो। अच्छा भूख लगी, रोटी सेको। ठीक पिला दो, दवा उसको पिला दो। तुम हो मैं दवा खा लो। रिशित यहाँ बाबू, ये दवा पियो। अच्छा पहले 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 दवा पी लो फिर दूध पी लो ऊपर से। लो पी लो दवा। दिखी से दवा यहाँ आ तो ऋषित भाग रहा है दवा के लिए। अच्छा लो ये लो। अच्छा तुम दवा कहाँ भाग गए? पापा दवा पिएगा तुम। देखो कहाँ भाग गया अम्मा, यहाँ बाबू देखो वहाँ। सुबह सुबह हम लोग दवा लेने गए थे ना, फिर दाने निकलते तुमको रात में खुजलाते हो, फिर यहाँ आओ बार रात हम आए आ जाएंगे तुमको। आज यहाँ आओ तुम, हमको छुओ, हमको छुओ तुम, हमको छुओ तुम, हमको छुओ तुम, तुम। चल शैतानी करता है। चलो पूजा देखो आया, इसको पिला दो। ये देखो पी लिया दवा, दूध पी लो। पियो हो गया, पी लिया ना दवा, गुड बॉय। अब खाना खाते हैं ना। चलो तो गाइस फाइनली जो है अभी हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और रात के बज रहे हैं तकरीबन 8:30। खाना वगैरह सारा कुछ कंप्लीट, बस रही है इनको नींद नहीं आ रही थी। लेकिन आज एक सबसे अच्छी खबर है, पूरा दिन हो गया लेकिन इनको दाने नहीं। दाने निकले बाबू तुमको? नहीं निकले ना, अच्छी दवा है ना, दवा अच्छी है, दाने नहीं निकले ना। किस कर दो एक ऐसे ऐसे इधर कर दो। ओफो अच्छा गाइस को बता दो, गाइस मैं ठीक हूँ, आज मेरे दाने बिल्कुल नहीं निकले। बता दो गाइस मैं ठीक हूँ और दाने भी नहीं निकले। अब नहीं निकलेंगे ना, मेरे बाबा खुजली नहीं करेगा ना। अच्छा हो गया, ठीक तो थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कदो अगर वीडियो अच्छा लगे बोलो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो गाइस फाइनली वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर माय दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बाय कर दो, बाय बाय, टेक केयर, ये।